जी ये मलक साहब ने शाल तैयार की है जी, ये हमारे साथ पड़ोसी हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास लैसो शैसो की। ये देखें ये सारी लैस तैयार हुई हुई है, सारा एंटीक पल्स का काम है और सारा शीशे का वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। और ये देखें ये सारा जो है ना बेस जो है ना ये क्रश वेलवेट लगी हुई है, और इसकी जो बैक पे लगाया है इन्होंने टिशू लगाया, कस्टमर ने टिशू इन्हें दिया था लगाया ये मलक साहब ने। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है, ये देखें ये सारी, ये देखें माशाल्लाह ये सारा चारों तरफ फोर साइड बनी हुई, और ये बड़ी एंटीक चीज़ बनी है। ये देखें ये भी आपको खोल के भी ये मलक साहब हमारे दिखा रहे हैं, ये देखें ये सारी ये शाल बनी हुई और बड़ी एंटीक शाल बना के दी है इन्होंने कस्टमर को, और ख़ूबसूरत शाल बनी हुई है, पता चलता है कोई एंटीक वर्क हुआ हुआ है, ये सारा एंटीक वर्क हुआ हुआ है। ये देखें फोर साइड शाल बनी है, ये देखें चीज़ बनी नज़र आ रही है कि वाकई कोई क्लास की चीज़ बनी है, सारा ये एंटीक वर्क हुआ हुआ है, पल्स का काम है और शीशे का काम है। ये देखें और क्रश वेलवेट है, और ये देखें ये बैक इसका सारा ना टिशू लगाया है, ये जापानी टिशू लगा है बड़े अरस वाला। ये देखें ये सिलाइयाँ चेक करें इनकी, ये बड़ी नफासत के साथ चीज़ बनी हुई है। ये देखें माशाल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, चीज़ बहुत क्लास की इन्होंने बना के कस्टमर को दी है।